करे करते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। भोले वाले शरीफ दिखते हो, कुछ एंगल में मुझसे ज्यादा हैंडसम भी दिखते हो। आओ घर दिखाता हूँ। अरे पेटों के लिए लेके जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कौन है ये लोग? शहर में किसी के बारे में भी बात करो, ये सत्या के आदमी है, इनके बारे में बात करोगे तो मरोगे। सुना वहाँ जो बैठे हैं ना, कहने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, पर दादागिरी करते हैं, संभल कर जाना। आप रे, ये गया काम से। क्यों उंगली की भाई तुमने? क्या बात है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है, यहाँ सोसाइटी में नया आया हूँ। हेलो हेलो हेलो, सॉरी सर, पता नहीं था आप इतने अच्छे इंसान हैं। बैठिए सर, एक नहीं, मुझे जाके फ्लैट देखना है। आप बैठिए तो सही, आपका फ्लैट कहाँ भागे जा रहा है? यार ये क्या कर रहे हैं? ओ ये भी कुछ कम नहीं है, एक उतार दी दूसरी पे। वो देखो वो जल्दी में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। भाई दम मर रहा है यार। ओ ए सुनो, उसे बाद में देख लेंगे। ए ये क्या है? राम कुमार के गुंडों ने मुझे पीटा। ए चल चल चल। ए ये क्या, इतनी अकड़ के साथ शर्ट उतार के कैरम बोर्ड पे डाल दिया? मार देते वो लोग, वो तो मैं था इसलिए तुम बच गए। पास में समुद्र जानते हो ना, उसी में फेंक देते। हाँ फ्लैट किधर है? ऊपर। मैं बोलते जा रहा हूँ और तुम बिना सुने जा रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझ गए? तुम्हें मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहना। क्या कर रहे हो? सुंदर लड़की को देखते धक्का मारते हो? तुम्हें कोई तमीज है कि नहीं? इतनी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हो, आखिर क्या इरादा तुम्हारा? ये लड़की लड्डू की तरह है, एक धक्का मार के प्यार के चक्कर में फंसाने का प्लान है। लड़कियों को प्यार में फंसाना इतना आसान नहीं है। हैंडसम होने का इतना घमंड है तुम्हें कि मैं इतनी देर से बोलती जा रही हूँ और तुम चुपचाप खड़े हो? मैंने धक्का नहीं मारा। तो क्या मैंने? मेरे बारे में जो भी जानता है वो बोल दे। सुनो ये यहाँ की बहुत बड़ी वो है। वो माने मालन। अब समझ गए ना, आईना कभी मेरे आड़े मत आना। गर्ल्स फॉलो मी। इसकी आंखों में जरूर कोई जादू है। मेरा हाथ हाथ लगा शोक लगे। वो लोग जो बैठे हैं पता नहीं चले कि हम स्टूडेंट्स हैं, मुंह को ढक लो। तू यहीं बैठ। हमारे आदमी पर हाथ उठाना। क्या रहा है भाई? जिससे देखो लड़ाई। रुक जाओ, ये उनका एरिया है, बाद में देख लेंगे। चलो एरिया उनका है, रुक जाओ। आओ ना, दम है तो एरिया है तो बस। उनको बेचारे को पीटने आए थे भाई। उसका हिसाब तो चुका दिया, अब इस कमीज फाड़ का हिसाब करना बाकी है। अभी कुछ नहीं है। साहब को कभी गुस्सा नहीं आता, गांधी जी हैं, मारो तो भी गुस्सा नहीं करेंगे। अबे चुप, मारने से भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्या बात? देखोगे, देखा गुस्सा नहीं आया? कितने आराम नहीं है। अरे उठो यार, तुम मार रहे हो। ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं? हाँ यार, इसे गुस्सा ही नहीं आता। ए, तुझे किसने मारा? ये भी मेरे से ही बोला। पूरी गेंद आई है, प्लांट गया। पर ये गुंडे आराम भाई, इनके एरिया में आए।
उन बेचारे का बदला ले रहे हैं। बोल कौन है तू? इसका दोस्त हूँ। कौन है तू? छोड़ दो। यार ये तो सुपरमैन। क्या मुक्ति में पावर? मैंने उसे तुम पर तरस खा के नहीं मारा, तुम्हारी माँ पिता और बहन की खातिर मारा। बंदा पूरा खिलाड़ी है। यार बात है भाई, जबरदस्त। तो भाई सुपर हीरो है। मार खा के इनके साथ पड़े रहोगे या इन्हें ले जाओगे, तुम्हारी मर्जी। हम इन्हें ले जाएंगे भाई। यार ये है भाई इस हीरो। बेटा अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने हमारे बच्चों को। अबे शैतान, अरे क्या, जिस तरह उन बदमाशों को मारा उसी तरह इनकी भी पिटाई करो, तभी अकल आएगी। थैंक्स भैया, यहाँ के लोग जो ना कर सके वो बाहर से आने वाले आपने किया है। ए, तुम सब लोग भैया को सॉरी बोलो। तो क्या हुआ? चलो माफ किया। सुना था इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सब लोकल गुंडे हैं, सत्या की तरह शहर में खौफ फैलाना चाहते हैं। अगर ये सचमुच सत्या के आदमी होते तो अब तक ये अपार्टमेंट्स मिट्टी में मिल गए होते। वैसे आपका नाम? मेरा नाम सुबोध कुमार, पास के थाने में कांस्टेबल हूँ। शी इज माय वाइफ रेशमा। नमस्ते। हाल ही में यहाँ मैं ट्रांसफर होकर आया हूँ। वो सब छोड़िए, उनकी खूब पिटाई की, आपकी तारीफ। मेरा नाम गणेश है, यहाँ मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई नहीं है। हम सब है ना भैया? बिल्कुल, मैं भी तो हूँ। आज क्या देख लिया यार, हमने मूवीज तो देखी है यार, लेकिन आज वाली फाइट तो फुल मार धाड़ भाई। ऐसा सुपरमैन पंच तो रोमन रेंस जो WWE वाला है वो भी नहीं मारता भाई। ऐसा पंच मारा भाई, उड़ता गया भाई। क्या फाइट दिखा दिया आज, नाम जैसा है ना मास भाई, ये फुल वैसी फाइट हमें दिखा दी। क्या फाइट यार, फर्स्ट सीन से ही हम इसके फैन बन गए। एक्टर को हमने पहले डॉन में देखा था, उस वो स्वेग भी था, बट आज वाला स्वेग एक आम आदमी जब जागा ना भाई, था फुल शेर वाली भाई फीलिंग आ रही थी। मज़ा आ गया यार, ये फर्स्ट सीन ने तो हिला डाला। और यार वो बड़े कॉलेज के लड़के थे, इसको तंग कर रहे थे बेचारे को भाई। उसने क्या शर्ट बदल दिया भाई, उसकी शर्ट भी फाड़ दी। पर वो शर्ट, वो मुझे लगा उनको मारेगा, उनको गिराया है भाई चलते फिरते आदमी को उन्होंने छेड़छाड़ की। पर यार ये तो वाक्य में किसी को नहीं मारता, जब मारता है ना भाई, क्या मारा उनको। और ज़्यादातर उनको उड़ा भी नहीं रहा था, बस ऐसे हल्के ही मुक्के मारा था वो भाई। उनकी तो भाई जबरदस्त पिटाई कर दी उन गुंडों की। आरामी थे भाई वो, इनकी एरिया में आ गए थे आरामी भाई। यार इन, ये तो हीरो भाई दूसरी बार देख रहे हैं ना इसको, यार ये तो इसका नया अंदाज है आज इस मूवी में तो भाई जबरदस्त। हमारा इंटरेस्ट तो और भी ज़्यादा बढ़ गया इनको देख कर भाई। भाई
भाई मैं तो ड्रोन नंबर वन को तो देखा था, मगर ये वाला तो ड्रोन नंबर भाई एक ही मुक्के में सबको हिला डाला, जो खास कर वो रक्षा वाला काला वो भी झाड़ रहा था उसको, मैं इधर का ड्रोन हूँ ये वाला। जब उसकी भाई की जो फाइट देखी ड्रोन नंबर वन की, तो भाई पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है भाई मैं। फिर वो जो लड़की खूबसूरत थी तो रक्षे वाला भी उसको बोला जाओ भाई जाओ किसमें उधर करो, बाकी ये ड्रोन नंबर यार ये भाई की जो फाइट थी जबरदस्त मजा आ गया। भाई जैसा नाम है वैसी पार्ट ये भाई, मजा क्या फाइट दी मास भाई। मैं जब उसका पंच दिखा रहा मैं समझ गया भाई आज ये फुल मारधार होने वाली है, और इस हीरो ने तो भाई एकदम हैरान कर दिया। तो यार इसका नेक्स्ट पार्ट अगर मिला ना हम इसको भी देखें, क्या ये साउथ वाले तो कसम से यार क्या मूवीज बनाते हैं। साउथ भी तो इंडिया का ही है ना, मतलब इंडिया हर चीज में बेस्ट है भाई, इंडिया ने कमाल कर दिया। अभी चांद पर भी गए हमने वो भी सुना है, चंद्रयान 3 न्यूज में आया था वो चांद पर भी पहुंच गए हैं। हम उस दिन वीडियो बना थे लेकिन चैनल उड़ गया था ना क्या करते, लेकिन हमने देखा है, हमें पता है इंडिया को मुबारक भी हम देंगे उस बात पे। बाकी अगर ऐसी कोई वीडियो मिली तो हम जरूर देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।